तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरी वीडियो भी इस टाइम काफ़ी टाइम एक हफ़्ते बाद आई है, और वो इसलिए क्योंकि अभी मैं मसरूफ़ बहुत ज़्यादा चल रहा हूँ, और बाकी छत ज़रा थोड़ी गंदी है, उसे इग्नोर करेगा। उसे भी हमने साफ़ करनी है, लेकिन उसे टाइम नहीं मिलता हमें साफ़ करने में। और वो उसे देखें मुर्गी को खाना डालने आया था, पर बाहर नहीं करता, फिर मैंने बंद करने की कोशिश की, हाथ में नहीं आई, मैंने कहा सही है खुले रहे। बाकी ऊपर की रिपोर्ट ये है कि ऊपर जो हमारा ये शिमला मिर्च का पौधा था, उसमें माशाल्लाह यहाँ पर कलियाँ लगना शुरू हो गई हैं, वहाँ लगना शुरू हो गई हैं, यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, माशाल्लाह। इसमें पहली दफ़ा तो सिर्फ एक लगी थी, अब माशाल्लाह बहुत सारी लगी थी इंशाल्लाह एक साथ। और बाकी इनमें भी हरी मिर्च बहुत सारी लगी थी जो कि मैंने तोड़ चुकी इसी हफ्ते, बड़ी भी होगी इसकी खासी। बाकी इस वाली उसकी जो है मुझे तीन पक्की हुई नज़र आई थी, तो कल मैंने शाम को तोड़ी थी यहाँ नीचे से, बाकी सारी अभी ऊपर लगी हुई जो पक्की हुई आई। बाकी इसको भी काटा था माशाल्लाह, ये भी बड़ा हो गया। और यहाँ पे टमाटर के पौधे थे, उन टमाटर के पौधों को मैंने निकाल के छोटे छोटे गमलों में शिफ्ट कर दिए थे, तो पाँच इसमें भी एक ये लगा हुआ, एक ये और तीसरा हुआ, बाकी दो का यहाँ लगाए हैं। और ये मैंने वहाँ से निकाल के यहाँ लगा हुआ था, और घर में का पौधा उसको मैंने यहाँ से निकाल यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसकी बेल होती है, और इसकी बेल जो है इंशाल्लाह अभी अभी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, पूरे स्लेब पे फैल जाएगी, फिर इस वजह से फिर इसको हम सारे भी देंगे इधर ही, क्योंकि गमले में तो उग नहीं सकता सही से, ग्रोथ भी नहीं होती इसकी। और माशाल्लाह से दोस्तों हमने जो अपनी पालक लगाई थी उनमें माशाल्लाह उन्होंने नीचे से रूटिंग स्टार्ट हो गई, और ये नए नए पत्ते आना शुरू हो गए उनके, ये एक एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी, और ये चौथी एरी। और माशाल्लाह हमने जो पुदीना लगाया था वो तो अब अच्छी खासी इसने ग्रोथ पकड़ ली, ये देखें इसके अंदर से एक डंडी निकल ली, ये इस वाले में ये जाएगी नीचे तक आएगी और फिर फैलना शुरू हो जाएगी यहाँ से। और बाकी जो मैंने काट के लगाया था पुदीना, इनमें तो सारे ख़राब हो गए, बस एक ये रहता और एक यहाँ से दूसरा निकल रहा एक छोटा सा पौधा, बाकी ये रहे हमारे वो दो टमाटर, इसको हम वापस में भी झाग देते हैं वरना जो पानी थी वरना चिड़ियाँ जो है ना वहाँ के घुस जाती हैं अंदर, चिड़ियाँ या मुर्गियाँ। बाकी ये हमारा पत्ता का, इसके लिए आप भी दुआ करेगा जल्दी ठीक हो जाए, और इसके पास से भी इतनी तो आप मुंह देखें पूरा कैसा अजीब सा हुआ है। उसके बाद बैठना भी इतना मुश्किल है ना, इसमें गंदी समय से इसके पास से बदबू आ रही है, बता नहीं सकता आपको। बाकी आजकल पालक सस्ती चल रही तो इन सबको अभी हम पालक ही खिला रहे हैं, खासकर बत्ता को हम लोग खिलाते हैं सिर्फ पालक खिलाते हैं, बाकी मुर्गियों को हम लोग जो दाना वगैरह में करके देते हैं। बाकी चीले रोज़ आना यहाँ पर आके बैठ जाती है इसी जगह, और ये मेरा ख्याल से अपना घोंसला उधर बनाने आ रही है, ये पूरा दिन उधर ही बैठी रहती है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आती है, इसको लगता है खाना दूंगा लेकिन मैं खाना बिल्कुल भी नहीं दूंगा इसको, क्योंकि अगर ये फ्री हो गई तो मसला हो जाएगा ना फिर। बाहर हमारे पास जो है पांच बफ थे, जिसमें से एक बफ का जो चूहा है वो मर चुका है, वो उसके पूरे मुंह के अंदर फंस पड़ गई थी, वैसे मर गया। बाकी ये भी अभी बेहतर है, तीन उसकी तबीयत बेचारी बहुत ख़राब है, उसकी पूरी आँखें फूली हुई, वो आप देख सकते हैं, उसकी भी दवाएँ ववाएँ लोग उसको लगा रहे हैं, बस इसकी भी दो अगर आप लोग ये भी जल्दी ठीक हो जाए। और बाकी ये है इनमें मैंने आपको कहा था कि ये वाइट वाला मेल है और ब्लू बोलता हूँ काली वाली फीमेल है, ओह मैंने आपको कहा था कि काली वाली मेल और वो फीमेल है, लेकिन हमारी ये बात मुझे लग रहा है गलत है, वो फीमेल मुझे लग रही है और वो मेल लग रहा है, क्योंकि फीमेल एक तो हमें मारती भी है आगे छोट बहुत में जाती है, और दूसरी बात ये है कि हमने इसका सुराख बड़ा किया था, इनमें सिर्फ वही घुसी है वो नहीं घुस रहा जाती, जब अल्लाह करे ये भी चली गई नेस्टिंग शुरू कर देंगे ताकि और तोते आए हमारे पास, यहाँ से इसको मैं पकड़ता हूँ वाइट वाले को, वाइट वाले शरीफ है
व्हाइट वाला आते थे और गिरे के कारण ये आ गया मेरे हाथ में। और अभी दो दिन से हमारे घर पे एक बिल्ला आ रहा है, ब्राउन कलर का, ब्राउन ग्रे टाइप। वो इन चूजों के इसमें आते हैं खाने के लिए। कल मैं जो ऐसी पौधों को पानी दे रहा था, बत्ता के सारी यहाँ पे आके शोर में खाना शुरू हो गया। मुझे वो ऐसी मचा रही। ये दरवाज़ा ये खुला हुआ था और बिल्ला यहाँ घुसा हुआ था। मुझे लगा बत्ता है, मैं पकड़ने ऐसे आया, मैंने देखा बिल्ला, तो बिल्ला निकल कर बिल्ली बाहर। और चूजे जो थे वो यहाँ खुले हुए थे सारे, और ये ट्रे यहाँ रखी हुई है मैंने, इसलिए बचे ना एक आपको तो याद हो। तो बस दोस्तों हमारी अच्छी वीडियो ये थी। अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जैसे के लिए लास्ट।